देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 3 ट्रेन एक साथ टकराई, देश के इतिहास में इतना बड़ा ट्रेन हादसा नहीं हुआ था। 280 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। मैं मृतक के परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो घायल हैं उन्हें शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ओडिशा के मुख्यमंत्री से भी मेरी बात हुई है। मैंने कहा कि जो भी मदद ओडिशा सरकार को चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री अगर जरूरत पड़े तो सहयोग लेंगे। साथ ही सीएम बघेल ने बड़ा बयान देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की है। सीएम ने कहा कि ओडिशा में जो घटना घटी उसे पूरा देश शोकाकुल है। भाजपा नैतिकता की बात करती है, रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जो रेल मंत्री कहते हैं कि हमने ऐसे आधुनिक तकनीक अपनाई है जिससे 400 मीटर पहले ही ट्रेन रुक जाएगी, और उनके प्रदेश ओडिशा में ही ट्रेनें एक साथ टकराई हैं, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये देखने वाली बात है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं या नहीं। राजीव भवन के बाद शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि पहले रेल बजट पेश होता था, उसे भाजपा ने बंद कर दिया, इसमें काफ़ी चर्चाएं होती थी। सीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि जो बेसिक काम होना चाहिए वो शायद नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से मालगाड़ी से टकराई ये एक जाँच का विषय है। 2 ट्रेनों को एक साथ चला रहे हैं, 2 ट्रेनों को जोड़ दिए, केवल ये है कि सजावटी कार्य देखने को मिल रहा है। मूल काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, हो सकता है इसी कारण दुर्घटना हो रही है। देखिए, मुख्य रूप से बात ये है, अभी घटना घटी है और सभी पूरा देश इससे शोकाकुल है। अब उनकी नैतिकता है नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, शुचिता की बात करती है, तो उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो रेल मंत्री ये कहे कि हमारे अब ऐसे हमने आधुनिक तकनीकें अपनाई हैं जिससे 400 मीटर दूर यदि उसी पटरी में ट्रेन आए तो अपने आप रुक जाती है, और यहाँ से 3-3 ट्रेन टकरा गए उसी के प्रदेश में। उड़ीसा से आते हैं हमारे रेल मंत्री जी, और उसी प्रदेश में घटना घटी है, तो ये तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं नहीं करते हैं ये देखने वाली बात है।